तो यहाँ पे मैं एक नया मेथड को यूज कर रहा हूँ तुम्हें प्रॉब्लम्स बताने के लिए। अगर ये मेथड तुम्हें ज्यादा इंटरेक्टिव लगता है तो तुम मुझे बताना। तो यहाँ पे जैसे मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ मॉड्यूल से, तो अपना जो प्रॉब्लम है वो ये है, द नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ऑन द ग्राफ वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/x इन द इंटरवल दिस। तो अपन को नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट बताना है। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, साइन ऑफ 1/x इज इक्वल टू, अपन को 0 को इक्वेट करना है क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट बताना है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद यहाँ पर जो एक्स वो 1/n π आ जाएगा, क्योंकि 1/x को n π के इक्वल होना पड़ेगा, तो एक्स इज इक्वल टू 1/n π आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अपन को ये इंटरवल दे रखा है, जो 1/n π है वो 1/1000 से 1/100 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से n π निकालेंगे तो 100 से 1000 के बीच में होना चाहिए, तुम ये देख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो 100/π से 1000/π के बीच में होनी चाहिए, ये भी तुम देख सकते हो। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 31.83 आएगा एंड 3 18.3 आएगा। और यहाँ से अपन को इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो इंटीग्रल 32 से 318 के बीच में आ जाएगी। अब यहाँ पे तुम कैलकुलेट करोगे तो जो कितनी वैल्यूज आ रही है, ये 287 अपने पास एक्स इंटरसेप्ट आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होप तुम्हें ये मेथड अच्छा लगा होगा। अगर ये मेथड अच्छा लगा और तुम इसको सही लग रहा है तो फिर अपन आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर कमेंट में बताना, फिर मिलते हैं बाद में।